दिन था मंगलवार और तारीख थी 27 जून 2023, जब एक 17 वर्षीय बालक को दो पुलिस ऑफिसर ने दिन दहाड़े गोली मार दी। तो दरअसल हुआ यूं था कि नहेल मरजुक 17 वर्ष का मोरक्कन और अल्जीरिया का निवासी था, जो कि पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो वो 27 जून को अपनी येलो कलर की कार को फ्रांस के नंतेरी शहर के उस लेन में ले आता है जहाँ पर सिर्फ बस ही अलाउ होती है। आपको बता दे कि फ्रांस में बसेस के लिए एक अलग लेन बनाई गई है जहाँ पर बस के अलावा कोई और व्हीकल नहीं चल सकता। तो जैसे कि नेहल ने ट्रैफिक रूल वोलेट किया था, तो फ्रांस के दो पुलिस ऑफिसर जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे, तो उन्होंने नेहल की कार को रोकने की कोशिश करी, पर नेहल वहाँ नहीं रुकता। तो फिर पुलिस ने उसे चेज करना शुरू किया और थोड़ी आगे जाकर वहाँ ट्रैफिक जैम आ गया, जिस करके नेहल को अपनी कार वहाँ पर रोकनी पड़ी और उसे उस समय उन पुलिस वालों ने पकड़ लिया। तो पुलिस वालों ने नोटिस किया कि कार की नंबर प्लेट पोलिश थी और फिर वहाँ पुलिस ऑफिसर और नेहल के बीच में बातें हुई, पर उस समय भी नेहल रुकने को तैयार नहीं था। तो इस करके पुलिस ऑफिसर ने उसे डराने के लिए उस पर गन पॉइंट कर दी। तो गन देखकर नेहल घबरा गया और उसने जोर से कार का एक्सीलेटर दबाया और उसी समय पुलिस वाले ने उस पर गोली चला दी और वो गोली जाकर सीधा नेहल को लगी और उसी समय नेहल की मौत हो गई। तो अब यहाँ पर दो तरह की बातें सामने आती है। पहले पुलिस वाले कहते हैं कि उन्होंने नेहल को रुकने के लिए कहा और उसने गाड़ी नहीं रोकी और उन्हें लगा कि वो अपनी कार को किसी पेडेस्ट्रियन पर चढ़ा देगा, इस करके उन्होंने गोली चला दी। पर वहाँ पर मौजूद आई विटनेस कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसे पहले मारना स्टार्ट कर दिया और फिर इस कारण से नेहल का पैर गलती से ब्रेक से हट गया और गाड़ी चलने लगी। और अब बात आती है कि नेहल के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, पर उसकी ट्रैफिक रूल को इन्वेड करने की आदत बहुत पहले से ही थी, जिस करके वो उस एरिया के पुलिस के द्वारा जाना जाता था। और 2021 से लेकर अब तक नेहल के खिलाफ 5 चार्जेस लगे हुए थे और जिसमें से कुछ थे फेक लाइसेंस का यूज करना और बिना इंश्योरेंस के कार को चलाना, और इसी करके उसे पिछले साल सितंबर में जुवेनाइल कोर्ट में भी अपीयर होना पड़ा था। माना कि ट्रैफिक रूल को फॉलो करना हर सिटीजन की जिम्मेदारी होती है, पर ट्रैफिक रूल ना फॉलो करने पर सीधा गोली मार देना कहां का इंसाफ है, और वो भी बिना वार्निंग दिए। और तो और प्रोसिक्यूटर पास्कल फेरिस के अनुसार किसी भी पुलिस ऑफिसर को वेपन फायर करने से पहले कंडीशन किस तरह की है उसे ऑब्जर्व करना चाहिए और अगर किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को वहाँ मीट किया जाए तभी वो गोली चला सकते हैं, और उस समय वहाँ पर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ था और इसी के चलते उस पुलिस ऑफिसर को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और उस पर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। आपको बता दें कि फ्रांस में पिछले कुछ सालों से पुलिस वायलेंस काफी ज्यादा हद तक बढ़ती जा रही है। जब 2017 में एक लॉ पास किया गया कि अगर पुलिस वालों को लगता है कि कोई व्यक्ति व्हीकल स्टॉप नहीं कर रहा पुलिस के कहने पर, या फिर उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति किसी पेडेस्ट्रियन पर अपना व्हीकल चढ़ा देगा, तो उस समय पुलिस के पास पूरे अधिकार है कि वो उस व्हीकल पर शूट कर सकते हैं। और ये शूटिंग पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गई इस साल की तीसरी फायरिंग थी और 2020 में इस फायरिंग के चलते उस साल 3 लोग मारे गए थे और 2021 में 2 लोग, जो कि 2022 के मुताबिक तो बहुत कम थे। तो 2022 में पुलिस के द्वारा की गई शूटिंग में 13 लोगों की मौत हुई और मारे गए ज्यादातर लोग या तो ब्लैक थे या फिर मगरेबी ओरिजिन के थे, और वहाँ की जनता के अनुसार वो लोग फ्रांस पुलिस ऑफिसर के द्वारा सिस्टमेटिक रेसिज्म के शिकार होते थे। तो अब देखा जाए तो ये शूटिंग तो वहाँ पर होती रहती है, पर इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो रायट्स में कन्वर्ट हो गई और इस समय पूरे फ्रांस में 45,000 पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय करे गए हैं इस रायट्स को कंट्रोल करने के लिए। और तो और इस रायट्स में 12 साल के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पर नेहल की दादी के अनुसार वो बस रायट्स करने के लिए नेहल को यूज कर रहे हैं, वो बस नेहल को अपनी ढाल बना रहे हैं, असल में कारण तो कुछ और ही है। तो इस नेशनल ट्रेजिक बनने का कारण है इमिग्रेशन और रेसिज्म। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि फ्रांस में करीब 5,00,000 इलीगल इमिग्रेंट्स मौजूद है, और जब भी किसी कंट्री में इमिग्रेंट्स आते हैं तो वो अपने कल्चर, अपने तौर
तौर तरीकों को अपने साथ लेकर आते हैं और ऐसा ही फ्रांस के साथ बड़े पैमाने पर होता आ रहा है, जिस करके फ्रांस के राइट विंग एक्टिविस्ट का कहना है कि इस करके फ्रांस कल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है और अगर देखा जाए तो कहने को तो ये नहल के लिए हो रहा है, जबकि नहल को शूट करने वाले पुलिस ऑफिसर को तो पहले ही पुलिस कस्टडी में ले लिया गया है और अगर फ्रांस पुलिस उस ऑफिसर को अपनी हिरासत में ना लेती तो फिर भी मान सकते थे कि ये नहल के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि फ्रांस में दोनों नहल और पुलिस ऑफिसर के लिए फंड रेज किया गया है, जिसमें नहल के लिए $220,000 जमा हुए हैं, जबकि उस अननोन पुलिस ऑफिसर के लिए $1,000,000 लोगों ने डोनेट किए हैं। मतलब कि वहाँ पर मर्डर को सपोर्ट करने वाले लोग मर्डर की निंदा करने वाले लोगों से ज्यादा है और ये काफी हैरान की बात। तो वहाँ के ऑफिसर्स के अनुसार फ्रांस में इस तरह के राइट्स का कारण है इमिग्रेशन लॉ को चेंज करना। तो पहले फ्रांस में इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए रूल चेंज किया गया है और तो और डिपोर्ट के प्रोसेस को बदल दिया गया है। पहले इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए उन्हें 12 चांस दिए जाते थे अपील करने के लिए, जो कि अब घटाकर 4 कर दिए गए हैं और एक्सपर्ट के अनुसार शायद इस करके सभी इमिग्रेंट्स परेशान हो गए हैं और नहल का मर्डर तो बस एक बहाना है, उन्हें बस अपने गुस्से को राइट्स के थ्रू निकालना है। और आपको बता दें कि पूरे फ्रांस की 2021 तक जनसंख्या 7 करोड़ थी, जिसमें 85% यूरोप के है और पूरा यूरोप में सबसे ज्यादा इमिग्रेंट्स भी फ्रांस में ही बसते हैं। और एक समय पर तो अल्जीरिया फ्रांस का उपनिवास था, जिस करके काफी पैमाने में अल्जीरिया के मुस्लिम फ्रांस में आकर बसने लगे और एक सर्वे के अनुसार पूरे फ्रांस में करीब 50 लाख मुस्लिम रहते हैं और 3.3% नॉन व्हाइट है और 1.8% एशियन कंट्री के लोग हैं। और पूरी दुनिया में फ्रांस इक्वालिटी, लिबर्टी और सेक्युलरिज्म के लिए मशहूर है और वहाँ के लॉज के अनुसार किसी को भी अपने रिलीजन को लोगों के सामने दिखाने की इजाजत नहीं है और इस करके फ्रांस में सिख्स को पगड़ी पहनने से और मुस्लिम औरतों को बुर्का पहनने से मना किया जाता है। और इससे हमारी सरकार को सीख लेनी चाहिए कि अगर हमारी सरकार किसी भी नए रूल को हमारे देश में इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले कम्युनिकेशन को क्लियर रखना चाहिए। जैसे कि अभी बात चल रही है UCC, जिसमें कई लोग उसके फेवर में है और कई लोग उसके फेवर में नहीं है और ज्यादातर जो लोग उसके फेवर में नहीं है उन्हें UCC का असली मतलब ही नहीं पता। कुछ लोगों को लगता है कि UCC का मतलब है सेम तरह की यूनिफॉर्म पहनना। तो इसमें गलती किसकी है, सरकार की या फिर इंसानों की? अगर सरकार अपना कम्युनिकेशन क्लियर ही नहीं रखेगी तो जनता उस लोगों के बारे में अच्छे से जानेगी कैसे? तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।